वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 10th क्लास की डेट शीट। हाँ गाइज, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनकी डेट शीट आ गई है, इंटरमीडिएट की भी और हाई स्कूल की भी। ठीक है, इससे पहले जो आई थी वो यूके की आई थी, मैंने वो भी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी थी, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, खास यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनकी एग्जाम की डेट शीट आ गई है। और अब अभी मैं इस वीडियो में आपको पूरा वॉच करना बताऊंगा कि आपका पेपर कौन से एग्जाम और कौन से पाली में है। ठीक है, और कौन सी डेट का आपको किसका एग्जाम है। ठीक है, तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर बोर्ड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से आप अपने नंबर ले आए और आपकी 70% से ऊपर ही परसेंटेज आए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है, जो सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होना है वो हमारा 16 फरवरी को एग्ज़ाम है। हाँ गाइस, 16 फरवरी को सब क्या कहते हैं कि फरवरी के मिडिल में होंगे या मार्च में होंगे। गाइस आपके जो एग्ज़ाम होंगे वे 16 फरवरी में ही होंगे, फरवरी के मिडिल में ही होंगे। ठीक है, वैसे किसी को भी अंदाजे नहीं था कि आपके इस डेट में एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर आपके जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी से ही रख दिए। ठीक है, तो जो 16 फरवरी में है ये देखिए, ये आपकी हाई स्कूल है और ये आपकी इंटरमीडिएट है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपके जो हाई स्कूल की एग्ज़ाम है और जो हमारी ये एग्ज़ाम है ये हमारी इंटरमीडिएट के हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट एग्ज़ाम है गाइज, आपकी दो पाली होंगी, एक 8 बजे से 8:15 बजे तक और एक 2 बजे से 5:15 बजे तक। गाइज ये जो फर्स्ट पाली है ये 10th वालों के लिए, और जो ये सेकेंड पाली है 12th वालों के लिए। तो गाइज जो 16 फरवरी हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम जो 10th क्लास वालों का है वो हिंदी का एग्ज़ाम है। कहें का गाइज, वो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है जो कि 8 बजे से 8:15 बजे तक होगा। और जो गाइज हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं, गाइज जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हमारे ये दोनों चीज़ें, यानी ये जो 16 फरवरी है उनका हमारे हिंदी मीडियम का भी, यानी कि जो बच्चे हिंदी के हैं उनका हिंदी का है, और जो सैन्य विज्ञान से है उनका सैन्य विज्ञान का है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए जो 17 फरवरी है, 17 फरवरी में जो हमारे 10th के बच्चे हैं जिन पर पाली अरबी फारसी है उनका एग्ज़ाम होगा, हमारे बच्चों पर ये नहीं है, और जो जो संगीत गायन है उनका होगा। ठीक है, जो दूसरी है जो 12th क्लास है, 12th क्लास में किन का है, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला और जो सामान्य आधारिक विषय यानी कृषि वगैरह इन पर है। ठीक है गाइज, ये आपको 16-17 में हो गई। और गाइज नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो आपको सीधा डायरेक्टली आपकी 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद आपका 20 तारीख को पेपर है। गाइज 20 तारीख में आपको क्या दिया हुआ है, 20 तारीख के एग्जाम में देखिए गाइज, जो फर्स्ट पाली यानी कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं हमारे उनका कहेगा गृह विज्ञान का है, यानी कि जो बालिकाओं के लिए है, ये लिखा हुआ है जो कि बालिकाओं के लिए है। गृह विज्ञान है, अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया, यानी कि सभी बच्चों पर नहीं होता क्योंकि बॉयज़ पर नहीं होता। ठीक है, जो और हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका लेखा यानी वाणिज्य वर्ग के हैं, यानी कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका है, और साथ ही साथ भूगोल का भी है। क्या है जी आपका 20 है, यानी कि जो हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स बच्चे उनकी इस दिन क्या है, छुट्टी है। ठीक है गाइस, अब 21 देखिए, जो 21 फरवरी है, 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कहाँ का है, 21 फरवरी को जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनका हमारा मैथमेटिक्स का है। यानी गाइस आपको देखो कितने दिन की छुट्टी मिली है, आपको 16 का पेपर है, 17 की छुट्टी, 18 की छुट्टी, 19 की छुट्टी, 20 की छुट्टी, यानी कि आपको 4 छुट्टी दी गई है, उसके बाद डायरेक्टली आपका क्या है एग्ज़ाम है 21 फरवरी को। और जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं देखो गाइस, गणित का भी है, और जो जिन बच्चों पे 10th क्लास में कंप्यूटर है उनका कंप्यूटर का है। ठीक है, और जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, सॉरी जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका देख लेना इसमें क्या है, वाणिज्य वगैरह व्यवसाय अध्ययन का है, और साथ साथ में गृह विज्ञान का है, यानी कि बॉयज़ की यहाँ छुट्टी रहेगी और जो गर्ल्स हैं उनका गृह विज्ञान का पेपर है। ठीक है गाइस, तो 16 फरवरी में देखना है, 16 फरवरी में जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनका संस्कृत का है और संगीत वादन का है, यानी कि जो हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन पर संस्कृत अलग होती है, तो उनका संस्कृत का पेपर है और साथ में संगीत वादन का है। ठीक है, और जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका किसका है, चित्रकला का, यानी कि रंजन कला का, प्रावैधिक कला का उनका पेपर है, और साथ में उर्दू, गुजराती, पंजाबी जिन पर ये चीज़ है उन पर इस चीज़ का पेपर है। ठीक है, और हमारे 10th क्लास के जो बच्चे उनकी छुट्टी है। और फिर देखते हैं हमारा जो 23 फरवरी है, 23 फरवरी को जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट का वाणिज्य है, यानी कि जिन बच्चों ने कॉमर्स ले रखी उनका है, और साथ में सिलाई का है, जो लड़कियों पर सिलाई होती है, और जो 12th क्लास है उसमें पाली, अरबी, फारसी और कंप्यूटर का है। ठीक है, और साथ में जो 24 फरवरी है, 24 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है कृषि का, यानी जो बच्चों कृषि का भी होता है ना हमारा सब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे की कृषि है तो कृषि का है, और दूसरी पाली में जो हमारा है मानव विज्ञान रिटेल उनका एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें देख लेना आपको कौन सब्जेक्ट पड़ेगा। और जो हमारी 12th क्लास है, 12th क्लास में हमारा फरवरी में यानी क्या अंग्रेजी का है, हमारे किस चीज़ का है, अंग्रेजी का है 12th क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे 25 फरवरी है,
गाइज 25 फरवरी को हमारा जो एग्ज़ाम है, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनका है कला का, जो हमारे चित्रकला का पेपर होगा और रंजन कला का होगा, वो हमारा 10th क्लास का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो हमारे 25 फरवरी में 12th क्लास का है वो मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र और साथ में इसमें जो है उस चीज़ का है पशुपालन वगैरह का, ठीक है। जो 27 फरवरी है, 27 फरवरी को जो हमारी 10th क्लास है उनका विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और जो हमारी 12th है उनका जीव विज्ञान और गणित और NCC का एग्ज़ाम है, ठीक है। जो हमारी 24 फरवरी है, 24 गाइज अब थोड़ी कम छुट्टी है, इसमें फिर आपके लगातार ही पेपर हैं, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत को अभी से तेज कर दीजिए और हमारे चैनल को भी देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी चैनलों के सभी सब्जेक्ट के आपको इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए देखिए 28 फरवरी को जो हमारी 10th क्लास है उनका जो एग्ज़ाम है उनकी उस दिन की छुट्टी है, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जो 12th है उसमें फल खाद्यान्न संरक्षण पाकशास्त्र इन चीज़ का है, और साथ साथ में नागरिक शास्त्र का भी उनका एग्ज़ाम है और कृषि वगैरह का भी उनका एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो हमारा 1 मार्च है, 1 मार्च में जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं, जो हमारे यानी कि 1 मार्च में जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनका अंग्रेजी का पेपर है, और जो हमारे 12th क्लास है उनका भौतिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी गाइज, जो नेक्स्ट है डेट हमारी वो 2 मार्च है, और 2 मार्च में क्या है हमारे जो 10th क्लास के बच्चे में गुजराती, उर्दू, पंजाबी जिन बच्चों ने ले रखी उनका इस चीज़ का एग्ज़ाम है, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिलनाडु उनका इस चीज़ का एग्ज़ाम है। और जो यानी कि ये हमारी 22 भाषाएं जो है ना, 22 भाषाओं में, क्योंकि ये हमारी क्या है भाषा जो हमारी ऐड की गई है, तो इनमें से जो उन सभी भाषा के बच्चे उनका एग्ज़ाम होगा। और जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम इसमें होगा कार्ड शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई शिल्प उन चीज़ का होगा। और ये देखिए नीचे दिया हुआ है जो हमारे क्या है इतिहास, कृषि वगैरह, कीर्ति जंतु उन चीज़ का पेपर है, ये हमारे यूपी बोर्ड बच्चों की ज़्यादा मोस्टली करके इन पर ये सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जो गाइस लास्ट है वो है जो 3 मार्च है, 3 मार्च में जो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका SST का है यानी कि सामाजिक विज्ञान का है, कहाँ का है SST का, क्योंकि कुछ बच्चे से SST के नाम से जानते हैं, तो ये SST का एग्ज़ाम है, ठीक है। और फिर ये सेम ऐसे ही है जिन बच्चों पर खाद, कृषि वगैरह का होता है, ठीक है। साथ साथ में जो नीचे आकर देखिए जो हमारे 12th क्लास है उनका कृषि का भी है, उनका कहें गाइज उनका संस्कृत, कृषि, गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी उस चीज़ का पेपर है। और 4 मार्च जो हमारे 10th क्लास है उनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और जो हमारी 12th क्लास है उनका इसमें देखने का आपको कौन सब्जेक्ट है सज्जा, सिलाई, धुलाई, रंगाई इस चीज़ का एग्ज़ाम है, ठीक है गाइज। और लास्ट देखिए गाइज जो है हमारे 12th क्लास जो है 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका रसायन विज्ञान का है, कहें क्या गाइज रसायन विज्ञान का है, ठीक है। और आप ये देखिए डेट शीट हमारे माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज से ही निकली हुई है, ये डेट शीट रियल है और इसी तारीख को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है उसको तेज कर दीजिए। और गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर 10th और 12th दोनों ही क्लासों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाते हैं। जो पिछली बार भी हमने वीडियो बनाई थी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी पता लग जाए कि आपकी डेट शीट आ चुकी है, ठीक है गाइस, थैंक यू।